फ्रेंड नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त है सुनील। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा मुद्दा अलग है। उस मुद्दे में क्या है कि यार देखो, पहले तो मैं इस चीज में एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं इस वीडियो के अंदर, सॉरी, कि कोई इस वीडियो को पर्सनली ना ले। पहली चीज, सबसे पहली, कि अगर कोई सोच रहा है कि मैंने पर्टिकुलर उसी के लिए वीडियो बनाई है, तो प्लीज वो बंदा माइंड ना करे इस वीडियो को लेके। और मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि मैं उसको ठेस पहुंचाऊं, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक आप अपनी वीडियो या कोई भी चीज है, जब तक आप उसे मार्केट में नहीं उतारोगे, तो आपके लिए तो उस प्रोडक्ट का जो सिर्फ अच्छा ही है, क्योंकि आपको वो चीज मार्केट के अंदर सेल करनी है। लेकिन नेगेटिव तो उसको जब कंज्यूमर या बोले जनता यूज करेगी, तो तब उसको बताएगी कि उस प्रोडक्ट का नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्या पड़ रहे हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड आज मैंने एक वीडियो बनाई है कि रीजन क्या है कि कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो अपना ब्लॉग्स चलाते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे आने के बाद, ब्लॉग्स चलाने के बाद उनका होता क्या है कि शुरू में तो उन्होंने चलो ठीक वीडियो बनाई थी कि नॉर्मल वही हंसते खेलते बनाए, क्योंकि आज की डेट में क्या है, आपको पता होगा कि हर आदमी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को लेकर डिप्रेस है। चाहे वो उसकी जॉब की डिप्रेशन है, चाहे वो उसकी होम का रेंट की डिप्रेशन है, या अपना है तो ईएमआई की है, या व्हीलर्स या टू व्हीलर फोर व्हीलर जो भी है उसकी उसकी अपनी प्रॉब्लम है, या वट एवर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हर किसी इंसान के साथ कोई ना कोई आज के डेट में प्रॉब्लम है। पर यह भी सच्चाई है कि अगर हम किसी दूसरे का कॉन्ट्रीब्यूट नहीं होगा उसके अंदर, तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है। तो कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि यूट्यूब पे तो आ गए, उन्होंने शुरू में वीडियो अच्छी बना दी, लोगों को हंसा दिया बसा दिया, लेकिन आज उन्होंने एक ट्रेंड चला दिया है। कंटिन्यू मैं उनकी वीडियो को फॉलो कर रहा हूँ कि भाई आखिर आप लोग चाहते क्या हो। यूट्यूब पे आप आ गए, यूट्यूब आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूट्यूब का ही गलत यूज करने लग जाओ। यूज करने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक यूट्यूबर है, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर डायरेक्टली, राजा ब्लॉग के नाम से उनका एड है, सॉरी चैनल है। वो हर तरह के अपनी वीडियोस पे डेली अपलोड करते हैं, लेकिन रीजन क्या है कि भाई तुम हमेशा एक ही चीज दिखाते हो, चाय बनाई सुबह उठ के या एटसेट्रा आके, ठीक है। पर यार कुछ उसके अंदर नया दिखाओ। जितनी भी वीडियो आती है, हर वीडियो का थंबनेल सबसे पहले रोता हुआ होता है भाई बंदा सुबह सुबह। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए आपने वीडियो अपने शाम को अपलोड करी, ठीक है, बंदा सुबह आपकी वीडियो देख रहा है, सुबह उठते उठते पहले ही डेस्कटॉप पे, मतलब यूट्यूब पे उसने देखा, तो पहले ही जो यूट्यूब का जो डेस्कटॉप है उस पे सबसे पहले आपकी की फोटो आ गई रोते हुए की, तो बंदे का तो हो गया दिन खराब, ठीक है। दुनिया को भाई हंसने दो, खेलने दो, कूदने दो, प्लीज इस तरह की वीडियो मत बनाओ कि मैं भी महल चाहता हूँ ये भी। आप मुझे कहीं ना कहीं, मैंने आपके चैनल को एनालाइज किया है, मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है कि आपकी जो अब एक्सेप्टेशन है ना, मतलब ज्यादा बढ़ गई है भाई। वो जो जिन यूट्यूबर्स के साथ आप रहते हैं या व्हाटएवर जो भी है, उनको अगर फॉलो कर रहे हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया है, तब स्ट्रगल करके तब वो आज जाके आज वो उस डेजिग्नेशन बोल लीजिए या स्टेज पे जाके बैठे हुए हैं, ठीक है। आप अभी थोड़े दिन से मार्केट में आए, आपके 1,00,000 सब्सक्राइबर हैं प्लस, ठीक है, आप उसी पे जाके वीडियो क्रिएट कर रहे हैं 24 घंटे, वही रोना धोना रोना धोना। तो आज मैंने आप ही के टॉपिक पे स्पेशल ये वीडियो बनाई है, क्योंकि मैं काफी दिन से नोटिस कर रहा हूँ, स्पेशली मैं आपको नहीं, और मैंने ये अपने पुरानी वीडियोस में भी बोला है कुछ में, कि अब जो इस तरीके के यूट्यूबर्स हैं ना जिन्होंने मतलब बकवास मचा के रख रखी है ना यूट्यूब पे, तो उनके चैनल को एनालाइज करूंगा, और मेरे जैसे और भी कितने भाई हैं जो आपके चैनल को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, और देखेंगे और भी यूट्यूबर्स को कि जिन्होंने गंद मचा के रख रखा, हो सकता है उन्हें वॉकआउट करने की भी हम कोशिश करें, ठीक है। तो भाई प्लीज अगर ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दो कि आप महल बना के सोचो, क्योंकि मैं भी अपने फादर को महल, भाई दे दो अच्छी बात है, हम भी देना चाहते हैं, तुम भी दे दो अच्छी है, बेटे का फर्ज बनता है। पर यार ये सॉफ्ट क्या करना चाह रहे हो आप मार्केट में, हमेशा रोते हुए थोबड़े को लेके आ जाओ, भाई रो रहा हूं मैं तो, ये हो गया वो हो गया, भाई सबकी लाइफ में टेंशन है, ठीक है। पहली चीज मैं क्लियर कर दूं, एक्सपेक्टेशन आपकी ज्यादा बढ़ गई है तो भाई उसे लिमिटेड करने की कोशिश करो। आदमी को 10,000 सैलरी मिल जाएगी उसमें भी खर्चा नहीं चलेगा, 10,00,000 मिल जाएगी वो तब भी रोएगा, ये ह्यूमन नेचुरलिटी है क्या, इंसान रोएगा ही रोएगा, ठीक है।
तो प्लीज मेक श्योर इस तरह की वीडियो मत बनाओ भाई, हंसते खेलते वीडियो बनाओ। क्योंकि देखो, मैं आपको लग रहा होगा मैंने आपके लिए एक वीडियो क्रिएट करी, आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन फैक्ट यह है इस वीडियो के अंदर के एक्ट्रेस होते हैं ना हमारे, एक्टर या एक्ट्रेस, ठीक है, उनका सीन क्या होता है कि जिसकी इमेज जैसी क्रिएट हो जाती है तो वो फ्यूचर में उसकी इमेज वैसी ही क्रिएट हो जाती है। तो प्लीज मेक श्योर आप ये मत बनाओ कि आप अपनी वीडियो को खुद ही बोलते हो कि लोग मुझे भिखारी बोलते हैं, ठीक है। तो प्लीज माइंड मत करना, मैंने आपकी वीडियो का ही पॉइंट लिया है। तो प्लीज यार इस तरीके की अपनी इमेज मत क्रिएट करो, आपकी एक्सेप्टेशन है, अच्छी बात है, सबकी है भाई, मेरी भी है, सबकी है, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर इस चीज का आप ध्यान रखो, आगे से इस टाइप से वीडियो मत बनाओ भाई, हंसते खेलते वीडियो बनाओ, परिवार को खुशी भी दे दो यार। खुद सोचो भाई, तुम्हारे खुद के अपने रिलेटिव्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, वो भी तो आपकी वीडियो को देखते होंगे, तो भले ही आपकी सामने ना बोले, पीठ पीछे आपको मजाक ही बनाते होंगे। तो प्लीज मेक श्योर ध्यान रखें। मैंने आपके चैनल को ऑलरेडी एनालाइज किया है और मैं ऐड करूंगा मैंने कहाँ कहाँ आपके चैनल को एनालाइज किया है। अगर आपको भी कुछ गलती लगी है तो प्लीज उसमें चेंज करने की कोशिश करो भाई, ठीक है। तो ऐसी मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं डायरेक्टली आपको बुरा बोल रहा हूँ या कुछ, और बस मैं आपके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं उन्हें मैं आपके सामने शो ऑफ कर रहा हूँ कि प्लीज आप उन्हें सही करें, ठीक है। और रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी साथ ही साथ प्रेस कर लीजिए। मैं टैक्स से रिलेटेड, यूट्यूब की टैक्स से रिलेटेड, यानी जितनी भी अपडेट होती है, यानी ऑनलाइन जितना भी प्लेटफॉर्म होता है, सबसे रिलेटेड वीडियो क्रिएट करता रहता हूँ। तो प्लीज मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बराबर। चलते हैं इनके चैनल, भाई साहब के चैनल में थोड़ा एनालाइज किया है, तो आप देखें कहाँ कहाँ इनकी गलती है। ओके भाई, टेक केयर, ध्यान रखें आप अपनी अपनी फैमिली का, और तो गाइज हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन की तरफ, मैं इसमें आपको लाइव ले जाके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये किस तरीके से हमारा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, यहाँ पे आप देखिएगा, यूट्यूब इस ऐप पे जाके क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जस्ट आप यहाँ पे डाल देंगे राजा ब्लॉग, ठीक है। जैसे ही आप डालेंगे तो इस तरीके का इसका चैनल बंदे का निकल के आता है। अब इस चैनल का देखो भाई, ठीक है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप गरीब हो अमीर हो, वो मैटर नहीं करता यहाँ पर, ठीक है। लेकिन बात ये हो रहा है कि आप, मतलब आपने अपने माइंड के अंदर क्या स्ट्रेटजी बना रखी है, पब्लिक को कैसे बेवकूफ़ बना रहे हो आप। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यार हमारे देश की जनता ठीक है, भोली है, पर इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि खामा का तुम पागल बनाते रहो। अब देखना आप इसके वीडियो में, आपको बता रहा हूँ शुरू से, देखो यहाँ भी रो रहा है, ठीक है, कि भैया मेरे को आर्मी में भर्ती होना था, ये वो, ठीक है यार, देश की सेवा करो, अच्छी बात है। इसकी मैंने और वीडियो देखी, उसमें दिखाता था मेरे को एक्टर बनना था, ये वो फलाना ढिकाना, ठीक है। अब देखो यहाँ भी रो रहा है बंदा, यहाँ पर थोड़ा सा खुश है, ठीक है, यहाँ भी रो रहा है, ठीक है। अब ये जितनी अपनी शॉर्ट बनाता उसमें भी रोता रहता अपना, ठीक है। और देखो यहाँ भी हाथ जोड़ के, मतलब हद कर रखी है भाई, ठीक है, जो भी है, वटैवर जो भी है, तुम्हारे अपने माइंड में क्या चल रहा है वो तुम्हें ही पता है, तुम्हें कहाँ पहुँचना है कहाँ नहीं पहुँचना, या देश की जनता को पागल बना के खामा खान लगे पड़े हो। देखिए अब देखो यहाँ पे 2 लाख पार, मतलब हद कर रखी है। यूट्यूब में आपने चैनल क्रिएट कर लिया, आपने फर्स्ट सैलरी, मतलब सैलरी बोलेंगे हम तो इसे, कि फर्स्ट आपने जो आपकी पेमेंट आई अपने 2 लाख के क्रॉस कर लिया, यार इज दिस पॉसिबल? मेरे ख्याल से भाई किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए तो भाई नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, अब YouTube के आपको पता भी होगा, एक अपडेट भी आई है कि YouTube ने बोला है कि भाई जो थंबनेल्स पे लगाओगे वही आपको अंदर वीडियो में दिखाना पड़ेगा, वरना आपका चैनल कर देंगे सस्पेंड वो, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, पागल मत बना हद से ज़्यादा, ये भाई साहब हैं, ये बनाते रहते हैं, इसके खिलाफ वीडियो बनाते रहते हैं, ये इवन इसके खिलाफ नहीं बनाता बंदा, ये सबके खिलाफ बनाता रहता है, जो भी यूट्यूब पर गलत बताते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ भी रो रहा है, यहाँ पे देखो, ठीक है, बेवकूफ़ मेरी शादी हो चुकी है, मतलब क्या, यहाँ पे भी रो रहा है, यहाँ पे भी रो रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने गिफ्ट दिया पहली बार, मतलब हद है। दूसरी चीज़, ये बंदा अपने आप को ये शो ऑफ करता है कि भाई मैं बिल्कुल ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ये है, ठीक है भाई, ठीक है, जो भी जिससे भी बिलोंग करता है उस पर हमारा मैटर नहीं करता, गरीब अमीर दो ही टाइप के लोग होते हैं, हर आदमी अमीर नहीं हो सकता, ठीक है। आप स्ट्रगल कर रहे हो, अच्छी चीज़ है, पर एटलीस्ट जनता को जो चीज़ आप दिखाना चाहते हो वो सही दिखाओ ना, गलत तो मत दिखाओ, ठीक है। अधिकतर आधे से ज़्यादा बंदों ने ये फेंक है, पहली बार वीडियो दी, अपने आप को दिखाता है कि मैं बहुत गरीब हूँ भाई, मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है। और आज की डेट में ये बंदा, आप यकीन नहीं मानोगे, 1+ Note इसने ख़रीदा 3-4 दिन पहले अभी, ठीक है, 40,000 का फ़ोन है लेकिन वो 30,000 का, वीडियो में वो भी गलत बता रहा है कि मैंने 40,000 का फ़ोन ख़रीदा, उससे पहले बंदा आईफोन यूज़ करता था, ठीक है। बंदे ने मतलब पागल बना के रख रखा हर चीज़ में ड्रामा। यहाँ पे देखो,
हैकर यहाँ पे देखो, यहाँ भी रोते हुए, मतलब इस बंदे ने समझ क्या रखा मेरी ये समझ में नहीं आ रहा भाई। मैं मजबूर हो गया इस बंदे के खिलाफ वीडियो बनाने के लिए, हालांकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी भाई हमारी कैटेगरी का हो गया, कहीं ना कहीं हम भी वीडियो बनाते हैं, ये भी भाई वीडियो बनाता है, अच्छी चीज़ है। पर एटलीस्ट यार सही चीज़ तो दिखाओ जनता को, जो चीज़ आप दिखाना चाह रहे हो सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। देखो मैं बता रहा था ना 40,000 का फ़ोन लिया, ये देखो नोट ही मैं चला रहा हूँ, मैंने खुद 29,999 का बाय करा है, ठीक है। इसने 40,000 का कहाँ से बाय कर लिया भाई, अपने तो समझ से बाहर है भाई, ठीक है। फर्स्ट टाइम रेस्टोरेंट में चिकन खाया, पॉसिबल है यार आज की डेट में? आप 40,000 का मोबाइल जेब में रख रहे हो, मैं मान के चलता हूँ 40 का इसके हिसाब से, और आप फर्स्ट टाइम रेस्टोरेंट में चिकन खाओगे, पॉसिबल है? मतलब हद कर रखी है हद। ये देखो पहला ही पेमेंट फलाने से पार, ठीक है। ये क्या हो गया राजा भाई को, मतलब हर चीज़ भाई ठीक है, आपकी फेस ऐसा है कि लोगों की सिंपैथी आपको मिल जाती है, पर ये इसका तरीका ये नहीं है कि आप इस तरीके से जनता को ही बेवकूफ़ बनाते चलो। यार जनता को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो भाई, आप सही तो बताओ। अभी इनका ये मनोज डे, इसका भी यही सेम ये ड्रामा है। पहले तो ये क्या करता था, यूट्यूब पे आया था तो सही सही से थोड़ी वीडियो बना रहा था, अब इसने भी एक नया ड्रामा चालू कर दिया भाई आने के बाद यहाँ पे। इसको जो स्पॉन्सरशिप मिलती है सबसे ज़्यादा ये उसी का गुणगान करता है, वीडियो बनाएगा 10 मिनट की या 5 मिनट की, उसके अंदर 1 मिनट की इंफॉर्मेशन सही नहीं होती है। पता नहीं इनका चैनल ग्रो कैसे कर रहा है, या तो ये गूगल एड्स पे जाके अपने ये वीडियो का ऐड चला रहे हैं तो उसके हिसाब से इनके इंक्रीमेंट हो रहा है सब्सक्राइबर में, भाई अपनी तो समझ से बाहर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहे हो आप इनडायरेक्ट वे में, समझ रहे हो? पैसा नहीं है बहनों को देने के लिए, कहना क्या चाह रहे हो आप इनडायरेक्ट वे में? भाई समझदार हो आप लोग, मेरी वीडियो को देख रहे हो तो आप लोग खुद समझो इस वीडियो को देखने में, ठीक है भाई। आप ही नहीं हो, दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो दो दो दिन तक भूखे रहते हैं, उनके पास खाने को नहीं है, ठीक है। पर आप इस तरीके से तो यार मत करो अपना नाम बेकार। तो इसको ये नहीं पता इस बंदे को भाई, आप अपनी इमेज इस तरीके से क्रिएट कर रहे हो, अगर जैसी इमेज क्रिएट करोगे दुनिया के सामने वैसी हो जाएगी। इवन इस पे कमेंट तक आते हैं कि भाई आप पैसा मांगना तो आपको डायरेक्ट मांग लो, ऐसा क्यों मांग रहे हो? इसने खुद वीडियो बनाई है क्या, मैं भिखारी हूँ इस तरीके से? मुझे नहीं कमेंट करना चाहिए लेकिन मैं बोल रहा हूँ इस तरीके का, ठीक है। तो यार आप खुद सोचो यार, मतलब मेरा घर है, मतलब हद कर रखी है, यहाँ भी रोना रोना, यार ऐसे नहीं चलता, मेरे परिवार को कौन देखेगा, मतलब आप समझो खूब, ठीक है भाई आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। आप बीमार हो रहे हो तो भी आप उसकी एक वीडियो बना रहे हो, यार पॉसिबल है बंदा बीमार होता भाई वीडियो क्रिएट? भाई हम भी बीमार पड़ते हैं, हम तो घंटा वीडियो नहीं क्रिएट कर पाते बिल्कुल भी, सही बात बताएं। हमारा मन करता तो वीडियो क्रिएट करते, नहीं है तो नहीं करते। मेरा चैनल ग्रो होने का रहस्य, मतलब हद कर रखी है, मतलब हद। ये देखो 40,000 का फ़ोन ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो प्लीज़ सोच समझ के वीडियो देखो, सोच समझ के चैनल को सब्सक्राइब करो भाई किसी को, मैं तो यही बोलूँगा, बाकी आपकी जैसी अपनी राय है। और मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी बुरी लगी, सॉरी कि मैंने इस बंदे पर रिव्यू कराया इसके चैनल पे आज जाके। तो प्लीज़ आप ये चीज़ देखो, और देखो इसके व्यूज़ भी देखो आप, 63K व्यू, पता नहीं क्या ट्रिक यार ये लोग झोल झाल यूज करते हैं, समझ से पा रहे। चलिए ओके भाई, आज की वीडियो में इतना है, टेक केयर, ध्यान रखें आप अपने।